नमस्कार। बच्चों को सेल्फ डिसीजन लेना कैसे सिखाएं? बहुत से माँ बाप होते हैं, क्या होते हैं, अरे यार अभी तो बच्चा है, वो नहीं कर पाएगा। भले वो 20 25 30 साल का हो गया हो, फिर भी कहते हैं अभी तो बच्चा है। डेफिनेटली माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। लेकिन माँ बाप बच्चे के रूप में कहीं ये बड़ी गलती ना कर दे कि उसके लाइफ के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो। आप उसे बच्चा बच्चा कहकर हर कार्य अगर आप करोगे तो बच्चा क्या सीखेगा, क्या लर्न करेगा? वो तो आप पर डिपेंड हो जाएगा ना हर बात के लिए। अरे यार पापा मम्मी है ना, कर लेंगे यार। अरे यार पापा कर लेंगे, सब पापा कर लेंगे। अरे यार बिजनेस का काम देखना, पापा देख लेंगे। अरे यार घर का काम है, सब पापा देख लेंगे। अरे यार कहीं बाहर समाज में जाना है, पापा देख लेंगे यार। अरे यार कहीं वहां जाना है, पापा देख लेंगे। जब हर बात में पापा मम्मी देख लेंगे तो जब आपका बच्चा कैसे लर्न करेगा, कैसे सीखेगा? कहते हैं ना, एक अमेरिकन लेखक कहते हैं कि बच्चे को अगर निर्देश दिया जाए ना तो वह इतना नहीं सीखता है, लेकिन जब बच्चे को निर्णय लेने दिया जाए ना तो वह बहुत कुछ सीख सकता है। तो जितना हो सके आपके बच्चे को निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। उसे निर्णय लेने दे छोटे छोटे, उस पर जिम्मेदारी डालें। आप ये नहीं कि हर काम, ये नहीं कि यार वो बच्चा है वो नहीं कर पाएगा, वो ऐसा है वो नहीं कर पाएगा। इंडिया में तो गांव में तो अधिकतर ये है कि 30 साल तक का बच्चा हो जाए फिर भी शादी का डिसीजन उसके ऊपर नहीं छोड़ा जाता है, शादी का डिसीजन माँ बाप के द्वारा लिया जाता है। तो कुछ न कुछ तो जिम्मेदारियां आपको अपने बच्चे पर डालनी होगी। अगर आपने अपने बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं डाली, उसको सेल्फ डिसीजन लेना नहीं सिखाया तो इट विल बी डेंजरस इन योर लाइफ, बोथ फादर एंड मदर एंड देयर चिल्ड्रन। तो आखिर बच्चों को डिसीजन लेने के लिए कैसे सिखाएं, क्या किया जाए? सबसे पहले तो बच्चे को डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करें। कुछ भी उसको छोटा टास्क दे कि यार ये कार्य तेरे को करना है और तू कर सकता है, और उसके साथ खड़े रहें कि यार नहीं ये कार्य तेरे को करना है, ये कार्य मैं, आप फादर मदर हो, आपको पता है कि ये कार्य मैं बेहतर ढंग से कर सकता हूं, लेकिन आप अपने बच्चे से करवाइए वो कार्य और उसके साथ खड़े हैं। उसको इंक्रीज करें किसी कार्य करने के लिए, उसको प्रेरित करें, उसको प्रोत्साहित करें। अगर आप उसको बार बार इंक्रीज करोगे, बार बार प्रोसेस करोगे किसी कार्य करने के लिए, तो आपका बच्चा एक कोई भी कार्य अच्छे तरीके से कर पाएगा, एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा, एक अच्छा डिसीजन मेकर बन पाएगा आपका बच्चा। तो जब आप उसको डिसीजन लेने नहीं दोगे तो वो अच्छा डिसीजन कैसे लेगा? सेकंड, आपके बच्चे ने कोई भी डिसीजन लिया है और हो सकता है कि वह डिसीजन खराब हो गया, वह कार्य गलत हो गया, तो उस कार्य के लिए उसे क्रिटिसाइज ना करें, उसकी आलोचना ना करें। जो भी कार्य हुआ है उसके द्वारा अगर कुछ भी गलत हुआ उस कार्य में, तो आप उस कार्य को सुधारिए और अपने बच्चे को कहिए कोई बात नहीं, इस बार गलती हुई, नेक्स्ट टाइम ये कार्य तू बेटर करना। यूं नहीं कि कोई भी आपने कार्य दिया और वो कार्य बिगड़ गया तो आप उस पर चिल्लाओगे और हल्ला करोगे, तूने ये कर दिया, नुकसान कर दिया, तेरे को ऐसा नहीं करना था, तेरे को नो नेवर। बच्चे ने फर्स्ट बार कोई डिसीजन लिया है, कोई निर्णय लिया है, कोई कार्य किया है, तो होता है डेफिनेटली कि वो कार्य अच्छा भी हो और कार्य खराब भी हो, कार्य खराब हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप उसकी आलोचना ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, आप उसमें सुधार करें। आप उसको बताएं कि तेरे को ये गलती की, इन फ्यूचर में तेरे को ये गलती नहीं करनी है, इन फ्यूचर में तेरे को कॉशियस रहना है, सावधान रहना है कि ये गलती तेरे से ना हो। थर्ड, बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी डाले। आप हर कार्य ये कहकर मत डाले यार ये तो बच्चा इससे नहीं होगा, नो नेवर। बच्चे के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे, जैसे कि समाज में आप आते जाते हो, बच्चे को भेजे समाज में, उसकी रिलेशन बढ़ेगी, उसकी रिकॉग्नाइज बढ़ेगी, लोग उसको जानने लगेंगे। आप बिजनेस में कोई भी कार्य करो तो छोटे मोटे वर्क बिजनेस के अपने बच्चे को देना शुरू कीजिए, बच्चा आपका बिजनेस सीखेगा, कैसे कार्य किया जा रहा है, कैसे कर किया जाता है। एक ऐसा भी हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बच्चा आपके बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, आपके यार जब बड़ा होगा तब सीख जाएगा यार, अभी तो बच्चा है, और इन केस आपके कुछ हो जाता है
तो बच्चे को अगर अचानक बिजनेस संभालना पड़ेगा तो कैसे वो फेस करेगा? अगर शुरुआत में बच्चे को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो वो बिल्कुल तुरंत वो बिजनेस को समझ जाएगा और करने लग जाए, लेकिन अगर बिल्कुल उस बिजनेस का नॉलेज नहीं होगा तो कैसे करेगा? तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां बच्चों पर डालना शुरू कीजिए। इससे क्या उनके डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, उनका नॉलेज बढ़ेगा, उनका पावर बढ़ेगा और उनको डिसीजन लेने की क्षमता उसमें पैदा होगी। फोर्थ, घर की जिम्मेदारियां बच्चों पर डालें। छोटी छोटी घर की जो जिम्मेदारियां होती है, जैसे नल बिल भरना है, लाइट बिल भरना है, घर के लिए कोई बाजार के लिए खरीदारी करनी है, खुद के लिए कपड़े खरीदने हैं या घर के लिए कुछ नेसेसरी आइटम्स खरीदने, वो बच्चों पर जिम्मेदारी डालें। बच्चे जब खरीदेंगे तो बच्चे की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और बच्चे को समझ आएगी कि मार्केट में कैसे खरीदा जाता है और कैसे कुछ काम किया जाता है। हर चीज़ अगर आप घर में खरीद के लेके आ जाएंगे तो बच्चों को कैसे पता पड़ेगा कि कैसे मार्केट में बिहेव किया जाता है, कैसे मार्केट में बार्गेनिंग की जाती है, आपका बच्चा कैसे सीखेगा? तो घर की छोटी छोटी जिम्मेदारी भी बच्चों पर डाल दीजिए, इससे आपके बच्चे को डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी।